एक लोकतंत्र में चुनाव युद्ध से कम नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ सिपाहियों में से एक के द्वारा युद्ध का मैदान छोड़ देने से ज्यादा गंभीर विश्वासघात और क्या हो सकता है, खासकर तब जब पार्टी वजूद के लिए लड़ रही हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की गांठ दिल्ली में काफी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। अरविंदर सिंह लवली के बाद अब 30 सालों से कांग्रेस पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश बिदूड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह आप पार्टी है जिसने लगातार कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, चोर बताकर और गालियां देकर बुरा भला कहकर सत्ता हासिल की। प्रदेश कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे नेता अपनी एक नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। इस्तीफा दे रहे नेता दावा कर रहे हैं कि 30 से 35 नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। इसमें से कई नेता आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। जिस प्रकार से एक स्ट्रेटजी के तहत इस्तीफा दे रहे हैं, उससे इस कयास को बल मिल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और ये नेता एक साथ मिलकर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। बुधवार को इस्तीफा देने वाले नसीब सिंह ने भी नई पार्टी बनाने की योजना बनाई है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के बाद गुरुवार को वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश बिदूड़ी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने इस्तीफा दिया था। इस दौरान नसीब सिंह ने भी कांग्रेस आप गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस सरकार में 15 साल से मंत्री रहे राजकुमार चौहान भी इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल ओपी बिदूड़ी ने 28 अप्रैल को एक्स पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लवली के फोटो के साथ एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के जो कारण बताए हैं वो सभी सत्य है और मैं भी उन्हीं सब कारणों से सहमत हूँ। ओम प्रकाश बिदूड़ी साल 2013 में तुगलकाबाद विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वह प्रदेश कांग्रेस में महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। ओम प्रकाश बिदूड़ी ने कहा कि मेरे इस्तीफे देने की वजह बहुत सारी है, लेकिन मुख्य वजह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ता है जो इस गठबंधन से खुश नहीं, मैंने उनकी भावना व्यक्त की है। बिदूड़ी ने कहा इसकी वजह सिर्फ यह है कि यह आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहकर और उनके नेताओं को चोर बताकर और हमको ही गालियां देकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा जब अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष थे तो इस बारे में मैंने उनसे बात की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा इस्तीफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।